हम लोग पहुंचे बेटा अमालगमेशन पे। अमालगमेशन में लास्ट वीडियो लेक्चर तक क्वेश्चन टू हमारा कंप्लीट हो गया था। आज से लेकर हमको अमालगमेशन का क्वेश्चन थ्री करना है। ये पुरानी दो कंपनी है, सागर लिमिटेड और सरिता लिमिटेड, उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। सागर लिमिटेड की बैलेंस शीट में लिखा हुआ है मशीनरी बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स माइनस बीडीआर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल डिबेंचर्स बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल। अब डिबेंचर्स में मेरे को यहाँ पे प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, पर मेरे हिसाब से 6% है ये, ठीक है। ये परसेंटेज हमको बहुत काम आएगा आगे चल के, पर इमेज में मेरे को प्रॉपरली दिख नहीं रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल। फिर सरिता लिमिटेड में भी सेम ये डिबेंचर्स का परसेंटेज दिख नहीं रहा है। मैं बाय द टाइम लिख दूंगा या बता दूंगा कि सही क्या है। गुडविल मशीनरी बिल्डिंग स्टॉक फर्नीचर डेटर्स बैंक बैलेंस शेयर कैपिटल 15 लाख एड शेयर फॉरफीचर 2000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड रिजर्व फंड डैश डैश परसेंट डिबेंचर्स क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल। पहले हमेशा के जैसे एडजस्टमेंट्स द टू कंपनीज डिसाइडेड टू अमालगमेट एज ऑन 1 अप्रैल 2012 एंड अ न्यू कंपनी कॉल्ड संगम लिमिटेड। तो सागर और सरिता दो पुरानी कंपनीज है और संगम लिमिटेड न्यू कंपनी है। वॉज फॉर्म्ड विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹30 लाख। इस बात का ध्यान देना कि ये रुपीज है कि नंबर ऑफ शेयर्स है। ₹30 लाख इन शेयर ऑफ 10 ईच। अब यहां तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई, सुनते रहो। ये कैलकुलेशन हमारी ओल्ड कंपनी वन का नाम है सागर लिमिटेड। ओल्ड कंपनी वन जो है उसका नाम है सागर लिमिटेड। तो ये कैलकुलेशंस फॉर ओल्ड कंपनी वन सागर लिमिटेड। फिर इस साइड कैलकुलेशंस फॉर ओल्ड कंपनी टू। ओल्ड कंपनी टू का नाम है सरिता लिमिटेड। ये ओल्ड कंपनी टू सरिता लिमिटेड। ये पहले दोनों का नेट एसेट्स का कैलकुलेशन लिखा हुआ है, मतलब मैं लिखूंगा फॉर्मेट बनाया हुआ है। फिर परचेज कंसिडरेशन का फॉर्मेट बनाया हुआ है, फिर गुडविल या कैपिटल रिजर्व का फॉर्मेट बनाया हुआ है। इसके बाद ये कैलकुलेशंस फॉर न्यू कंपनी। न्यू कंपनी का नाम क्या है? संगम लिमिटेड। ये परचेजर है संगम लिमिटेड जो है, ये न्यू कंपनी है, ये परचेजर है, ठीक है। आगे इसमें ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ था, तो ऑथराइज कैपिटल की कभी भी कोई भी एंट्री नहीं होती है, लेकिन ये दूसरी एंट्रीज की कैलकुलेशन में काम आता है। तो ऑथराइज कैपिटल में लिखा हुआ था ₹30 लाख, ₹30 लाख लिखा हुआ था ऑथराइज कैपिटल, 30 लाख रुपीज इन फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब 30 लाख को डिवाइडेड बाय 10 रुपीज करोगे तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे? तो ये आएगा 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 30 लाख रुपीज क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 30 लाख को डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएगा 3 लाख शेयर्स। ये ऑथराइज कैपिटल हो गया। ऑथराइज कैपिटल की लाइफ टाइम कभी भी किसी भी चैप्टर में एंट्री नहीं होती है, लेकिन ये रिमेनिंग शेयर इश्यू टू पब्लिक कैलकुलेट करने में काम आएगा। रिमेनिंग शेयर हम पब्लिक को कितने इश्यू करेंगे उसकी कैलकुलेशन में ये काम आएगा। अभी ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी अगर आपने क्वेश्चन टू अच्छी तरह से सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, सारे वीडियोस देखे हैं। फिर लिखा है न्यू कंपनी टुक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सागर लिमिटेड एंड सरिता लिमिटेड एट देयर बुक वैल्यू। ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इस बात पे भी ध्यान दो, ये जो न्यू कंपनी है वो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज पुरानी कंपनीज के लेके गई एट देयर बुक वैल्यूज। सब एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर बुक वैल्यूज एंड द फॉलोइंग टर्म्स फॉर परचेज ऑफ बिजनेस वर एग्रीड अपॉन। हमेशा पहले एडजस्टमेंट्स, हर क्वेश्चन में 90% सेम होगा, लेकिन 10% हर क्वेश्चन में नए रूल्स आएंगे, ठीक है। ये परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन दी हुई है पहले सागर लिमिटेड की। द कंसिडरेशन वॉज 3 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप इन द न्यू कंपनी। 3 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड अप इन द न्यू कंपनी इन एक्सचेंज फॉर एवरी 5 शेयर्स इन सागर लिमिटेड। अब मैं यहाँ पे दो चीजें अंडरलाइन करता हूं, एक ये 3 शेयर्स
और एक 5 शेयर्स, ये दो चीजें मेरे बहुत काम की है, 3 शेयर्स और 5 शेयर्स, ठीक है। 3 शेयर्स इन न्यू कंपनी फॉर एवरी 5 शेयर्स ऑफ सागर, सागर मतलब ओल्ड कंपनी 1, तो पुरानी कंपनी के 5 इक्विटी शेयर्स के बदले में न्यू कंपनी के 3 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। ये पीसी में आएगा, देखना ध्यान से, जो सागर लिमिटेड का पीसी होगा इसमें आएगा। ये लोग फर्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे कि पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को नई कंपनी के इक्विटी शेयर्स मिले, इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी मिले, लेकिन कितने शेयर्स वो मालूम नहीं है। अब यहां से लेकर इस क्वेश्चन में बहुत सारी नई नई कैलकुलेशन है, जैसे मैंने बोला 90% थीम वही रहेगी, कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। अब बहुत सारी कैलकुलेशन में आपको ये काम आएगा, मैं इसको ऑन बोलता हूं। ऑन मतलब क्या, पहले ओल्ड फिर न्यू, मैं इसको ऑन बोलता हूं। जितनी भी अमालगमेशन चैप्टर में कैलकुलेशन होती है, इसके बाद एक चैप्टर है अब्सॉर्प्शन, इन दोनों चैप्टर्स में मोस्टली कैलकुलेशंस में ऐसे होता है ऑन। ऑन मतलब पहले ओल्ड कंपनी फिर न्यू कंपनी। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था ओल्ड कंपनी के 5 शेयर्स के बदले में न्यू कंपनी के 3 शेयर्स, मैं आपको दिखा सकता हूं ओल्ड कंपनी के 5 शेयर्स, ये देखो लिखा हुआ है 5 शेयर्स इन सागर लिमिटेड, मतलब पुरानी कंपनी के 5 शेयर्स के बदले में नई कंपनी के 3 शेयर्स, 3 शेयर इन न्यू कंपनी ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। अब हम ये देखेंगे सागर लिमिटेड की पुरानी बैलेंस शीट में कि सागर लिमिटेड के ओल्ड बैलेंस शीट में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे, याद रखना नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स। ये सागर वाले की ये ओल्ड बैलेंस शीट है, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स है 50,000, अमाउंट है 5 लाख। कभी भी अमाउंट को नहीं देखना, क्योंकि अमाउंट में क्या प्रॉब्लम होता है, कभी कभी फुल्ली पेड अप होता है, कभी कभी पार्टली पेड अप होता है, इसलिए अमाउंट को कंसिडर नहीं करना, नंबर ऑफ शेयर्स को कंसिडर करना। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 50,000। कभी कभी ये 5 लाख फुल्ली पेड अप होता है, कभी कभी पार्टली पेड अप होता है, कभी कभी शेयर फोफीचर ऐड किया हुआ होता है, जैसे सरिता में आप देखो ये शेयर फोफीचर 2000 ऐड किया हुआ है। तो इन शॉर्ट ऑल द कैलकुलेशन शुड बी डन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स है 50,000 सागर के। सागर के नंबर ऑफ शेयर्स है 50,000 शेयर्स। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि पुरानी कंपनी के पांच शेयर्स के बदले में नई कंपनी के 3 शेयर्स, तो पुरानी कंपनी के हैं 50,000 शेयर्स, उसके बदले में न्यू कंपनी वाला कितने शेयर्स देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 शेयर्स के सामने 3 शेयर्स, तो 50,000 शेयर्स के सामने कितने शेयर्स, तो ऑब्वियसली ये 30,000 शेयर आएगा। लेकिन ये जो 30,000 शेयर्स यहाँ पे आएगा ना, 30,000 शेयर्स, वो इधर नहीं लिखना, वो यहाँ पे लिखना पीछे वाले कॉलम में, यहाँ पे लिख देंगे 30,000 शेयर्स। अब न्यू कंपनी वाला 30,000 शेयर्स देगा ऑफ ₹10 ईच। अब 30,000 शेयर ऑफ 10 ईच ये होता है 3 लाख, ठीक है। यहाँ पे 30,000 नहीं लिखना, 30,000 यहाँ पे लिखना। तो पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को नई कंपनी के इक्विटी शेयर्स मिले, पुरानी कंपनी के 50,000 शेयर्स थे, उसके बदले में नई कंपनी वाले ने 30,000 शेयर्स दिए। अभी आप लोगों को गुस्सा लग रहा होगा कि क्यों कम दिए, मैंने तो क्वेश्चन बनाया नहीं है, ठीक है, क्यों कम दिए, क्यों ज्यादा दिए, वो जब अमालगमेशन हुआ होगा तो दोनों कंपनी ने आपस में बैठ के डिसाइड किया होगा कि कितने शेयर्स के बदले में कितने शेयर्स, ठीक है, वो उनका मैटर है, वो हमारा मैटर नहीं है। तो न्यू कंपनी वाले ने 30,000 शेयर्स दिए ऑफ ₹10 ईच, तो ये हो जाएगा 3 लाख। बाकी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 शेयर्स आएगा, डन। आगे बढ़ते, अब क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ सागर लिमिटेड, अच्छा ये 10 रुपीज तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10,
ठीक है। तो सागर लिमिटेड की ये जो सेकंड एडजस्टमेंट है इसमें लिखा हुआ है द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ सागर लिमिटेड वर टू बी अलॉटेड सच डिबेंचर्स इन द न्यू कंपनी बियरिंग इंटरेस्ट एट 5% एज वुड ब्रिंग देम द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसके अंदर मेरे को बहुत सारी चीजें बहुत सारे रूल्स मेरे को समझाने हैं इसलिए बहुत टाइम लगेगा, शांति से सुनते रहना। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है एज वुड ब्रिंग देम द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ये एज वुड ब्रिंग देम द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अब कभी कभी ऐसा लिखा हुआ होता है एज वुड ब्रिंग देम द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ये मैं साइड रूल करके यहां पे लिख देता हूं। अगर ऐसा लिखा हुआ हो एज वुड ब्रिंग देम द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, या ऐसा लिखा हुआ कि द डिबेंचर होल्डर्स शुड गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एज दे वर गेटिंग या रिसीविंग बिफोर अमलगमेशन। तो अगर ऐसा लिखा हुआ एज वुड ब्रिंग देम द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, या ऐसा लिखा हुआ द डिबेंचर होल्डर शुड गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एज दे वर गेटिंग बिफोर अमलगमेशन, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये दोनों सिनोनिम्स हैं, दोनों सेंटेंस की मीनिंग एक ही है। मतलब पुरानी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को हम नई कंपनी के डिबेंचर्स देंगे, लेकिन जितना उनको पहले इंटरेस्ट मिलता था बाद में भी उतना मिलना चाहिए, ये पहली बात। ये पहली बात। दूसरा, मैं जो रूल मैंने थियरी वाले पेजेस में नहीं बताया मैं यहाँ पे बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। ये बहुत टिपिकल रूल है, चाहे ये क्वेश्चन कब कंप्लीट होगा मुझे पता नहीं, बट रूल हमेशा काम आएगा। पीसी में इन ल्यू ऑफ के कॉलम में, पीसी में इन पीसी इन द कॉलम ऑफ इन ल्यू ऑफ, थोड़ा लॉजिकल है, सुनना ध्यान से। पीसी में जो पहला कॉलम होता है इन ल्यू ऑफ, इन पीसी इन ल्यू ऑफ कॉलम ओनली द अमाउंट्स पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल बी रिकॉर्डेड। मैं इसको इजी भाषा में लिख के देता हूं, यही चीज मैं इजी भाषा में लिख के देता हूं, और ऑल एंड एनी अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल बी रिकॉर्डेड इन पीसी। पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन। अब सुनो ध्यान से हिंदी में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या न्यू कंपनी क्या दे रही है, भाषा समझो मेरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि न्यू कंपनी क्या दे रही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि न्यू कंपनी किसको दे रही है, किसको पे कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को या पुरानी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ भी पे करें वो पीसी में आएगा, ठीक है। आगे ये थियरी वाले पेजेस में लिखना बाद में। फिर दूसरी बात, ऑल एंड एनी अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स, all and any amount paid to debenture holders will be recorded in net assets।
मतलब पुरानी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को हम कुछ भी पे करें वो नेट एसेट्स में आता है, और पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स या पुरानी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम कुछ भी पे करें वो पीसी में आता है। ठीक है, याद रहेगा किसको पे कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हो तो पीसी में आएगा, डिबेंचर होल्डर्स को पे कर रहे हो तो नेट एसेट्स में आएगा। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल बता रहा हूं। पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को, पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर हम न्यू डिबेंचर्स दें तो ये पीसी के कैलकुलेशन में आएगा, ये पीसी में आएगा। और पुरानी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को, पुरानी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को अगर हम नई कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं तो ये नेट एसेट में आएगा। ठीक है, तो किसको पे कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्या पे कर रहे हैं क्या दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हो, कुछ भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हो तो पीसी में आएगा, और डिबेंचर होल्डर्स को पे कर रहे हो कुछ भी, डिबेंचर होल्डर्स को कुछ भी दे रहे हो तो नेट एसेट्स में आएगा। ठीक है, तो ऊपर की सेकेंड और थर्ड पॉइंट के एग्जाम्पल्स बता रहा था मैं। अच्छा, ये तो अभी बहुत क्लियर है कि अगर पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ये तो बहुत इजी है जो मैं पॉइंट अभी बता रहा हूं, पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को नई कंपनी के इक्विटी शेयर्स ही दें, नई कंपनी के इक्विटी शेयर्स दें, इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, तो ये पीसी में आएगा। ये तो बहुत इजी पॉइंट है, पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को नई कंपनी के इक्विटी शेयर्स दिए तो ये पीसी में आएगा। अब पुरानी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को अगर नई कंपनी के डिबेंचर्स दिए तो नेट एसेट में आएगा। ठीक है, अब इन चारों बातों को समझो कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो है इन लियू ऑफ, इसको पे कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, फॉर्म या मोड ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पे कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्या पे कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम कुछ भी पे करें, ये या ये, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी पे करें वो पीसी में आएगा, और पुरानी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को हम कुछ भी पे करें वो नेट एसेट्स में आएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इन लियू ऑफ, किसको पे कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थियरी वाले पेजेस में लिख लेना। ठीक है, ये सारी बातें एक ही एडजस्टमेंट के पीछे इतने सारे रूल्स हैं। ठीक है, ये थियरी वाले पेजेस में लिख लेना, आज की मीटिंग में इतना और ज्यादा टाइम है नहीं, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है बेटा, इतना लिख लेना सब।